मुझे आना वापस चाहिए। उसने चुन लिया है, तू चूतिया लग रहा है। मुझे माफ कर दे, मैं उससे प्यार कर बैठा, मुझे तुझको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। माफी का मांग रहा है चूतिए। मुझे माफ कर दे, और अगर तू उससे प्यार करता है तो उसकी खुशी के लिए उसे जाने दे। अगर वो ही खुश नहीं रहना चाहती तो? सब खुश रहना चाहते हैं, डिप्रेस लोग नहीं। वो दुखी रहना चाहते ताकि दुनिया को बता सके कि वो डिप्रेस है। अगर वो ही खुश हो जाए फिर डिप्रेस कौन रहेगा? आना डिप्रेस नहीं है। हाँ नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं भी। तू आना से प्यार नहीं करता, तू सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। मैं अपने आप को नहीं चाहता, तू गलत है। तू सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। तुम जैसे मतलबी लोग और तुम्हारी ये मतलबी दुनिया अच्छा है। ऑफिस अच्छा है। मतलब ही तू है, तुझे असल में आना चाहिए ही नहीं, तुझे बदला चाहिए। वो तुझ पे तरस खा के तेरे पास चली आई, तू जानता नहीं वो कौन है। तू उसे वैसे प्यार करता जैसे कुत्ता अपने मालिक से, और मालिक भी अपने कुत्ते से इसीलिए प्यार करता है। किसी का साथ निभाना ना किसी के जुनून से बढ़के होता है। तू उसे चोट पहुंचाएगा और उसे माफ भी नहीं करेगा। बिल्कुल माफ करूंगा। माफ नहीं करूंगा तो तेरी तरह दरिंदा नहीं बन जाऊंगा? तू मेरी वजह से उससे मिला था। हाँ थैंक यू। ये मजाक है, तुम लोगों की शादी एक मजाक है। आना ने भी कभी अपने लॉयर को डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे। माना मैं तेरी तरह बड़ा आशिक तो नहीं, फिर भी उसने मुझे चुना ना। एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट व्हाट द वुमन वांट्स। अगर तुझे आइंदा उसके आसपास भी देगा ना, जान से मार दूंगा साले। चल मुझे अपने पेशेंट से मिलने जाना है। क्या लगता है जब वो यहाँ आई थी उसे मजा आया था? हाँ मैं उसके मजे के लिए उसके साथ सोया ही नहीं, मैं तो तेरी लेने के लिए उसके साथ सोया। और हाँ उसे भी बहुत मजे आए थे। यू नो शी लव्स अ गिफ्ट। तू एक जानवर है। हाँ तू क्या है? तुझे क्या लगता है प्यार करना आसान है? दिल बस एक डायग्राम है ना। कभी इंसान का दिल देखा भी है? खून में सनी हुई ना बंद मुट्ठी की तरह है। साले राइटर जा भाड़ में जा और जा अपने फैक्ट्स चेक कर ले, और मैं जाके मजे लेता हूं। वो तुझसे और ये तेरी बनावटी से ना नफरत करती है। हम पूरे हफ्ते तेरे बारे में बात कर रहे थे। आना ने बताया कैसे तू इसका इस्तेमाल करता है। आधी रात को उठ के अपनी मरी हुई मां को याद करता है। मम्मास बॉय सब खत्म हो गया है।
एक्सेप्ट कर ले। ना ही तुझे प्यार के बारे में कुछ पता है, ना ही समझौता करना होता है, ना ही तू आलिस के बारे में कुछ जानता है। तुझे तो ये भी नहीं पता आलिस को दाग कहां से मिले। तू आलिस से कब मिला? आयना के एग्जीबिशन पे। और ये तो तू जानता ही है ना, वो उसको उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मिली थी। वो एक मानसिक बीमारी है भाई, डर्माटाइटिस आर्टिफैक्टा, इंसान के स्किन के लिए ना जहर की तरह होती है और इंसान खुद इसके लिए जिम्मेदार है। वो अपने आप पर ब्लीच डालता है, अपने आप को घुरचता है, अपनी गंदगी की वजह से ही फैलती है ये। एलिस वो भी खुद इसके लिए जिम्मेदार है, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई है। बहुत लोग है दुनिया में जिसके बचपन में मां बाप मर गए पर भी वो डिस्टर्ब रहते पर उनकी इसकी आदत पड़ जाती है ना। एलिस डिस्टर्ब नहीं, वो डिस्टर्ब है। तू अपने फैक्ट्स में इतना बिजी था कि तेरे सामने जो हो रहा था उसे तो देख नहीं पाया। तुझे कैसे पता? ऑब्जर्वेशन होता है। अब मेरे सामने रोना धोना नहीं करियो। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। मेरी सलाह चाहता है तो उसके पास वापस चले जा। वो मुझे नहीं अपनाएगी, मैं उसकी लाइफ में कहीं से नहीं आ रहा। वो कहीं नहीं गई है, मैं उसे अचानक से मिला था एक क्लब में, वहीं पे काम करती है वो। मैंने उसे बिना कपड़े को भी देखे पर फिर भी उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। तूने उससे बात की? किस बारे में? तेरे बारे में। वो तुझसे बेहद प्यार करती है। प्रिस्क्रिप्शन ले, वो यहीं पे काम करती है, उसके पास वापस चले जा। थैंक यू। ये तुझे कहां से मिला? तोहफा है। मैं तुझे मारना चाहता था। मुझे लगा तू मेरी बजाना चाहता है। अब ज्यादा उड़ मत। वैसे तू किताब अच्छी लिख लेता है। थैंक्स। यू स्टैंड अलोन विद आना। वैसे तुझे और किताबें लिखनी चाहिए। मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। मैं 9 साल का था तब एक पुलिस वाले ने मुझे छुआ था। मेरा अंकल है, अभी भी है, अंकल टेड। अच्छा बंदा है, थोड़ा वो चेस खेल लेता है, शादीशुदा है। ये मत बोल तेरे पास सब्जेक्ट्स नहीं है। एक इंसान की जिंदगी में कितने हजारों कहानियां होती है। वो तो भगवान का शुक्र है कि लाइफ एंड्स, वरना पता ही नहीं क्या होता। फ्रॉम बिग बैंग टू शेगी बर्थ, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फ्लैशेस फिरोशेस, इंसान के जिस्म और हड्डी में उनका साथ छोड़ देती है कई दिनों में। वैसे तू वो डेथ नोट अभी भी लिखता है? हाँ। बिजी? मुझे रिटायर बना दिया गया था। कैसे? पिछला वाला एडिटर मर गया अल्कोहल पॉइजनिंग। मैं उसके साथ था 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में।
कल, मुझे अभी जाना ही हो। मुझे आलिस ने दिया था। और तुम्हारा? मुझे पापा ने दिया था। तुम्हारे पापा ने? उन्हें ऐसे ही छोटी मोटी चीजें बेहद पसंद आती है। वो टैक्सी चलाते हैं, है ना? हाँ ठीक है ना। हिस्ट्री वैसे तुम्हें आना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। थैंक यू इसलिए बीइंग काइंड। आई एम काइंड। तेरा इनवाइस पोस्ट में मिल जाएगा। डैन मैंने तुझसे एक बात झूठ बोली। मैं एलिस के साथ सोया था। बताने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं तुझे माफ कर सकूँ।